Now, let us come to the types of warehouses. ये क्वेश्चन का रेलेवेंट आजकल काफी आ चुका है वेयरहाउसेस का, क्योंकि इफ यू चेक आउट जो टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस है और 2018-2020 और उसमें भी डिस्टिंग्विश बिटवीन जो अगला वीडियो होगा, सो ये क्वेश्चन का यूनिवर्सिटी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे रही है. प्रैक्टिकली मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कि वेयरहाउस का इम्पोर्टेंस देश में काफी बड़ा है. सो लेट अस कम टू टाइप्स ऑफ वेयरहाउस. एग्जाम में पूछा शॉर्ट नोट पूछेंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. सो तुम एबीसी फॉर्म में लिखोगे और एबीसी यही फॉर्म में लिखोगे जिस फॉर्म में मैंने यहाँ पे राइटअप दिया है. और तुम्हारा डी होगा टाइप्स ऑफ वेयरहाउस. जो टाइप्स ऑफ वेयरहाउस है वो तुम ड्रॉ करोगे, जिसमें देर विल बी दो टाइप्स ऑफ वेयरहाउस है. एक को बोलेंगे पब्लिक वेयरहाउस, एक को बोलेंगे प्राइवेट वेयरहाउस. तो जो पब्लिक वेयरहाउस है, पब्लिक वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जो गवर्नमेंट के वेयरहाउसेस होते हैं, या पब्लिक मतलब पब्लिक पैसा होल्ड करती है, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. सो प्राइवेट वेयरहाउस थोड़े से बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरर या प्राइवेट बिजनेस हाउसेस या व्यापारी जो ओन करते हैं. पब्लिक वेयरहाउस कैन बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, गवर्नमेंट, ऐसे. अभी जब एक्सप्लेनेशन किया है तो प्राइवेट वेयरहाउस पहले किया है. सो ये चार्ट भले ऐसा ड्रॉ किया हो, तुम इससे शुरू करोगे क्योंकि स्टोरी इसके हिसाब से बनाया गया है. सो वील स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट, देन हम इसका स्टोरी कनेक्ट करेंगे. सो प्राइवेट वेयरहाउसेस वो वेयरहाउस है जो कि मैन्युफैक्चरर या प्राइवेट बिजनेस जो है, ठीक है, बिजनेस हाउसेस और व्यापारी ओन करते हैं. जैसे मैंने तुमको बताया कि जो किराना शॉप है जो कॉलेज रोड के हैं, बहुत सारे किराना शॉप ने अपने वेयरहाउस जो है वो रविवार करंजा साइड में रखते हैं. वहां पे बहुत सारे होलसेलर्स हैं, सो उसको लगता है दाम बढ़ने वाला है तो बहुत सारा स्टॉक लेके आरके में रख देते हैं. जैसे कि अभी पेट्रोल में मिक्स होता है जिसको एथेनॉल बोलते हैं. आई थिंक 5% मिक्स होता था, वो 10% सिर्फ गवर्नमेंट ने अलाउड किया था. आई थिंक अभी 20% की मंजूरी दी है. एथेनॉल बनता है शक्कर से. द मोमेंट शक्कर का उपयोग बढ़ेगा तो शक्कर का दाम बढ़ेगा, क्योंकि शक्कर से जो जिस इंग्रेडिएंट से शक्कर बनाते थे, अब वो इंग्रेडिएंट से एथेनॉल ज्यादा पेट्रोल में मिक्स करना है तो शुगर कंपनीज वैसा ही करेगी. क्योंकि अपने शक्कर के कंपनीज पे 2,00,000 करोड़ का कर्जा था. जो नंबर वन कंपनी इंडिया की बजाज हिंदुस्तान, फिर एक है बलरामपुर चीनी, एक है रेणुका शुगर, ये सब घाटे में थे देखा जाए तो. बहुत स्ट्रेसफुल सेक्टर था, लेकिन अभी जैसे ही गवर्नमेंट ने एथेनॉल मिक्स करने का परमिशन दिया, शक्कर कंपनी को उम्मीद आ गया. उम्मीद आ गया मतलब क्या होगा, शक्कर बनाते समय जो प्रोसेस होता है उसका अभी बड़ा हिस्सा एथेनॉल में जाएगा. इसका मतलब मार्केट में शक्कर के रेट 100% बढ़ेंगे, कम तो होने का कोई चांस नहीं है. सो बोलने का तात्पर्य यह है, तो जो भी शुगर मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, व्यापारी, ये शुगर का स्टॉक बढ़ा देंगे क्योंकि इनको पता है कि दाम बढ़ने वाला है. अभी जैसे मधुर शक्कर का ब्रांडेड है, ठीक है, तो उसमें उसमें लिखा रहता है कि कितना, आई थिंक 50 रुपए किलो है शक्कर. लेकिन अनब्रांडेड शुगर को स्टॉक पे रखना आसान है क्योंकि तुम मन
मनचाहा दाम रख सकते हो क्योंकि उसमें प्राइस टैग नहीं रहता। तो व्यापारी क्या करते हैं, ऐसे खुला शक्कर को स्टॉक बढ़ा देते हैं और जो खुला शक्कर है उसका दाम एमआरपी जो मधुर शक्कर का है उससे कम रहता है। सो नाउ 40 देगा तो 45-48 वो लोग आराम से कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स वेयरहाउस जो है व्यापारी वो ऐसे उनको जब अंदाजा आता है दाम बढ़ने वाला है शॉर्टेज हो रहा है तो वो लोग वेयरहाउस में स्टोर करके रखते हैं। प्रोड्यूसर्स वेयरहाउस वो है जो प्रोड्यूसर और फार्मर को स्टोर करके रखते हैं जब तक वो डिमांड नहीं होता। ठीक है, एक बार रीड कर लो अपने नोट्स में जो दिया हुआ है। तो प्राइवेट वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां पे प्रोड्यूसर या फार्मर्स रखते हैं। हालांकि बहुत सारे फार्मर्स का स्टॉक खुले में रहता है, बंद के लिए उतना कॉस्ट उतना महंगाई पैसे नहीं रहते उनके पास। और एक और है, बहुत सारे मिठाई की जो दुकान है नासिक में उनका जो स्टॉक है वो सोमेश्वर के आगे उनके वेयरहाउस है वहां पे वो लोग रखते हैं। बट एक वो लोग मिठाई के दुकान को मुझे लगता है दूध स्टॉक करने का अलाउड नहीं है, मावा स्टॉक करने का अलाउड नहीं है। दिवाली में तो खास स्ट्रिक्ट हो जाता है कि दिन का दिन, क्योंकि दिवाली के टाइम में क्या होता है दूध और मिठाई का डिमांड बढ़ जाता है। तो दूध और मिठाई का डिमांड बढ़ जाता है तो रेट काफी बढ़ जाता है उसको रोकने के लिए। क्योंकि फिर क्या करते हैं मिठाई वाले, दूध का बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और मार्केट में दूध कम हो जाता है, लोगों को तक कम पहुंचता है क्योंकि इनका पूरा ताकत इसमें चला जाता है मिठाई में। तो लोग दूध स्टॉक करके रखते हैं, मावा स्टॉक करके रखते हैं, दोनों गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है बट फिर भी न्यूज आते रहता है कि इन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। और ये सब दिवाली के टाइम में, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक हाथ दो केस होंगे जो नकली मावा और ये सब यूज करते हैं। तो डायरेक्टली मिठाई के दुकान में तो रखेंगे नहीं है, तो इसलिए सब अपने वेयरहाउस में रखते हैं ऐसा न्यूज आते रहता है। सो प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर का वेयरहाउस जो है या फार्मर्स का है, जैसे मैंने तुमको बताया था महिंद्रा एंड महिंद्रा अंबड़ में फैक्ट्री है, नहीं अंबड़ में नहीं है सागपुर में है महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन उनका जो वेयरहाउस है मैंने तुमको बताया था फ्रावशी इंटरनेशनल गंगापुर गांव के तरफ तुमको मिल जाएगा उनका। अच्छा वेयरहाउस है, बड़ा है काफी, लेकिन उधर भी खुला है, मतलब इतने सारे गाड़ियां हैं तो बंद करने के लिए कितना बड़ा जगह लगेगा। और ट्रेडर के व्यापारी मैंने तुमको बताया है बहुत सारे बारदान वाले। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे किराना शॉप है ऊपर एक लॉफ्ट बना के दुकान के लॉफ्ट में ऊपर वो लोग कहीं पे वेयरहाउस बना के स्टोर करके रखते हैं एक्स्ट्रा। या छोटा दुकान है तो आरके या जहां सस्ता पड़ता है वहां पे वो लोग वेयरहाउस करके रखते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है किराना शॉप का, जो क्योंकि किराना शॉप में 90% गुजराती और मारवाड़ी है, पटेल और बहुत सारे मारवाड़ी, लेकिन ज्यादातर गुजरात गुजराती पटेल है। तो आजकल इतने सालों से किराना शॉप में 50,000 से लाख रुपए का जो कमाई होता है महीने का, तो बहुत सारे पटेल अभी क्या हो रहे हैं कि अपना किराना शॉप को भाड़े पे दे रहे हैं और बाकी का मतलब लाख रुपए महीने में वो लोग कमाते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने क्या किया है भाड़े पे चढ़ा दिया। 40-50 हजार रुपए का भाड़ा, मेहनत करते हैं सवेरे से रात तक तो लाख रुपए कमाते हैं, उसके बजाय वो लोग ने भाड़े पे चढ़ा दिया है। 50,000 भाड़ा आता है, आधा आता है भाड़ा, और जो इतने सालों से कमाया है
उस पैसे से वो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले गए। बहुत सारे पटेल अपना दुकान बंद करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उतर गए हैं। सो इसको प्राइवेट वेयरहाउस बोलेंगे, ठीक है, ट्रेडर्स वेयरहाउस। अभी आते हैं पब्लिक वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस में सबसे पहले तो पब्लिक वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां पे इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, गवर्नमेंट का वेयरहाउसेज है। यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए फैसिलिटी है कि कोई भी स्टोर कर सकता है। जो प्राइवेट वेयरहाउस है, प्रोड्यूसर ट्रेडर, उसमें तुम अपना सामान नहीं स्टोर कर सकते, कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो जिसका दुकान है वही कर सकता है। पब्लिक वेयरहाउस में कोई भी पब्लिक या फर्म या कंपनी अपना वेयरहाउस स्टोर करके रख सकते हो। जो पब्लिक वेयरहाउस है इसके अपने गवर्नमेंट के कायदे कानून के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमको करना पड़ता है, कायदे कानून है। ज्यादातर पब्लिक वेयरहाउस लोकेट होते हैं रेलवे स्टेशंस, हाईवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट के बाजू में। अब इसका उपयोग कैसे होता है तुमको बताता हूँ। सबसे पहले दिया है बॉन्डेड वेयरहाउस, ठीक है। बॉन्डेड वेयरहाउस क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सब लोग तैयार है सुनने के लिए? मेरी आवाज आ रही है? अब यस सर, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। जो टेस्ला है, टेस्ला का नाम सुना है सबने? यस सर, अभी गवर्नमेंट का जो कायदा है, इंडियन गवर्नमेंट का, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया में, तो टेस्ला जो इंडिया में आने वाला है, तो गवर्नमेंट का कायदा ऐसा है कि जब इंपोर्ट होता है तो टैक्स लगता है, जिसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट वैल्यू $40,000 से ज्यादा हो तो उस पर टैक्स लगेगा 100%। मतलब कोई भी जो गाड़ी है जो इंपोर्ट कर रहे हैं, $40,000 से ज्यादा उसको लगेगा 100%, और $40,000 से कम है तो लगेगा 60% टैक्स। मतलब सपोजली 40,000 की नहीं, 50,000 की टेस्ला है तो 50,000 का टैक्स लगेगा। 50,000 की टेस्ला मतलब 35 लाख रुपया, लेकिन सिंस वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है तो 35 लाख ऊपर का टैक्स लग जाएगा। तो 35 प्लस 35 70 लाख हो जाएगा इधर का लैंडेड कॉस्ट, और इधर के डीलर को प्रॉफिट पकड़ के 80 लाख की हो जाएगी टेस्ला। वैसे टेस्ला का अमेरिका में जो प्राइस है वो $39,950 है। तो अभी क्या होता है, सपोजेडली तुमने टेस्ला खरीदा, ठीक है, 50 लाख की टेस्ला है, सोचो अब टैक्स कितना लगेगा उस पे, मुझे बताओ कितना टैक्स लगेगा। 50 लाख रुपया। अभी कार इंडिया के बॉम्बे का नव शिवाय पोर्ट में लैंड हुई, और तुम रहते हो नासिक में। अभी क्या होगा कि तुमको एक प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि 50 लाख का टैक्स भरना है। तुमने अमेरिका जो कंपनी है टेस्ला, उसको 50 लाख दे दिया, अमेरिकन कंपनी को 50 लाख रुपए दिया, और टैक्स इंडिया में तुमको पड़ेगा 50 लाख, मतलब करोड़ रुपए का वैल्यू हो जाएगा। अब तुम्हारे पास एक चेक आएगा 10 दिन बाद 50 लाख का, जब तुम पे करोगे टैक्स, लेकिन शिप में आ चुकी है टेस्ला कार, और गवर्नमेंट बहुत चार्ज लगाता है पोर्ट में रखने के लिए, क्योंकि उतना जगह अटकता है ना, पोर्ट अपना लिमिटेड है। तो लेकिन तुम 10 दिन के बाद ही टैक्स पे कर पाओगे, तो गवर्नमेंट ने
एक सुविधा किया हुआ है। बॉन्डेड वेयरहाउस टैक्स तो लगना ही है तुमको 50 लाख, उसके बिना तुमको गुड्स मिलना ही नहीं है। तो तुम क्या करते हो, ये पोर्ट के बाजू में रहता है बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां पे तुम्हारी टेस्ला का उस बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर जाएगी। तुमने अभी तक टैक्स पे नहीं किया। सो बॉन्डेड मतलब एक बॉन्ड, तुम बॉन्ड मतलब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो गवर्नमेंट के साथ कि 10 दिन बाद या जब भी तुम्हारे पास पैसा है तुम टैक्स पे करोगे। तब तक ये जो तुम्हारी टेस्ला कार है वो वेयरहाउस में रहेगी पेंडिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब तुमने 50 लाख टेस्ला को दे दिया है लेकिन 50 लाख का टैक्स अभी तक पे नहीं किया है। पे किए बगैर तुमको गुड्स देगा नहीं गवर्नमेंट। सो बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां पे गुड्स आर स्टोर्ड बट ड्यूटी इज नॉट येट पेड। तुमको उस वेयरहाउस का रेंट लगेगा और 10 दिन रेंट पे करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तुम गवर्नमेंट को 50 लाख का टैक्स भरोगे और फिर उस बॉन्डेड वेयरहाउस से टेस्ला निकाल के नासिक में लेकर आओगे। सो इन शॉर्ट बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां पे गुड्स आर स्टोर्ड बट ड्यूटी इज नॉट पेड। फ्रॉम द बॉन्डेड वेयरहाउस इफ यू वांट टू रिलीज योर गुड्स यू हैव टू पे द ड्यूटी, क्लियर द बॉन्ड एंड देन यू कैन रिमूव द गुड्स। समझ में आया बॉन्डेड वेयरहाउस का मीनिंग? अब बॉन्डेड का उल्टा है ड्यूटी पेड। अब क्या हुआ, ऐसा सोचो 50 लाख की टेस्ला आई, तुमने तुरंत 50 लाख का ड्यूटी पे कर दिया गवर्नमेंट को। बट एक प्रॉब्लम ऐसा है कि टेस्ला को नासिक में लाना है बट अब टेस्ला चलाने के लिए जो आदमी है वो 4 दिन बाद आने वाला है जो एक्सपर्ट है। सो तुम क्या करते हो, पोर्ट के नजदीक ड्यूटी पेड वेयरहाउस है, 4 दिन का भाड़ा लगेगा तुमको। तुम वो टेस्ला, क्योंकि पोर्ट पे रखने से चार्जेस बहुत ज्यादा, डेमरेज, और डेमरेज बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता पोर्ट में गर्दी हो। सो तुम क्या करते हो, पोर्ट से निकाल के पोर्ट के नजदीक ही ड्यूटी पेड वेयरहाउस है वहां पे स्टोर करते हो। वहां पे कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्यूटी हैज बीन फुल्ली पेड। बट नासिक में 4 दिन बाद तुम लाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, या तो तुम्हारा नासिक का गोडाउन फुल है या दूसरे कोई रीजंस है, या बॉम्बे में फ्लडिंग हुआ है तो रास्ते से आना मुश्किल है, ट्रक्स का आना मुश्किल है, ठीक है, या तूफान के संकेत हैं, जैसे तौते तूफान जो आया था कि बॉम्बे की हालत खराब कर दी थी उसने। सो ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि तुम ला नहीं सकते 2-4 दिन। तो तुम क्या करते हो, वो गुड्स ड्यूटी पेड वेयरहाउस में स्टोर करते हो। 4 दिन का भाड़ा पे करने के बाद 5वें दिन तुम गाड़ी निकालते हो और नासिक में लेकर आते हो। सो दैट्स कॉल्ड एज अ ड्यूटी पेड वेयरहाउस। सो जैसे मैंने बताया पोर्ट टाउन या डॉक एरिया नजदीक ही रहता है, बहुत कम समय के लिए रखते हैं, या हो सकता है जिनके पास सुटेबल वेयरहाउसिंग फैसिलिटी नहीं है या जो भी कारण हो, तो तुम ड्यूटी पेड वेयरहाउस में गुड स्टोर करके रख सकते हो। क्या सबको ये समझ में आ रहा है, यस और नो? क्या सबको ये समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। ओके सो ये बॉन्डेड और ड्यूटी पेड था। गवर्नमेंट वेयरहाउसेस, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के वेयरहाउसेस भी रहते हैं, उनका अगेन रेंट काफी कम रहता है प्राइवेट से। अगेन ट्रांसपोर्ट सेंटर्स के नजदीक रहता है। बेस्ट एग्जांपल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट के वेयरहाउस एज कंपेयर टू प्राइवेट काफी कम रहता है कॉस्ट। जैसे कि तुम महाबलेश्वर जाओगे, कोल्हापुर जाओगे,
मालवन जाओगे, कोकण जाओगे, ठीक है, ये सब जगह जो है, माथेरान जाओगे, तुमने सुना है गवर्नमेंट के एमटीडीसी रिसॉर्ट सुना है क्या? बोलो, सुना है तुमने? यस अब ये एमटीडीसी रिसॉर्ट्स, मैं जब मालवन गया था, ऑफ कोर्स मैं प्राइवेट, हम लोग जो है प्राइवेट होटल में रुके थे, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का भी एमटीडीसी का था और बहुत अच्छा था ना। एमटीडीसी और प्राइवेट में एक फर्क है कि एमटीडीसी बहुत अच्छे एरिया में रहता है, बड़ा रहता है, और उसका जो रेंट रहता है प्राइवेट से कम रहता है। सो जहां प्राइवेट में 5,000 चल रहा है, तो एमटीडीसी में 3 या 4 हजार होगा। तो ऐसे अलग अलग महाराष्ट्र के सिटीज में, खास करके जैसे माथेरान, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, ये सब जगह होंगे। नासिक में भी एमटीडीसी आई थिंक है। सो ये एमटीडीसी गवर्नमेंट का है। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट, ये रिसॉर्ट है, जबकि वेयरहाउस, जो गवर्नमेंट वेयरहाउसेज है उनका भी रेंट कम रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं रहते, और वो नॉर्मली फुली होते होंगे, क्योंकि अब तुमको वस्तु प्राइवेट पे रखना है या गवर्नमेंट का, तो कंडीशन इतना अच्छा नहीं होगा जितना प्राइवेट वाले लोग रखते होंगे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इससे रखता है कि प्राइवेट पर छोड़ दिया तो रेट बहुत बढ़ जाएगा। सो ऐसे टाइप के वेयरहाउस जो गवर्नमेंट मेंटेन करता है, वही ट्रांसपोर्टेशन की जगह के नजदीकी होता है, पोर्ट के नजदीक रहता है, ये सब वेयरहाउस, इसको गवर्नमेंट वेयरहाउस बोलेंगे। नेक्स्ट इज द कोल्ड स्टोरेज। मैंने ऑलरेडी बताया था, खास करके एग, मिल्क, फिश, ये सब स्टोर करने के लिए जो वेयरहाउस यूज किया जाता है। जो तुमने सुना है ग्रीन पीस, सुना है मटर, मटन नहीं, मटर, ग्रीन यस सर पीस सब इसमें रहता है, एक्सपोर्ट करने के लिए तुमको उसको स्टोर करना पड़ता है, फ्रोजन रखना पड़ता है। तुम्हारे घर पे भी होगा फ्रोजन, उसको फ्रोजन कंपार्टमेंट में रखते हैं फ्रिज के, सुना है? यस सर तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस का कॉस्टिंग बहुत महंगा पड़ता है। अभी तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी बंद कर दिया है, 6 करोड़ का वेयरहाउस, उसमें 25% सब्सिडी 1.5 करोड़ गवर्नमेंट देता था, लेकिन अभी वो बंद हो गया। उसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि लगातार वो चिल्ड रखने के लिए सेट टेम्परेचर लगता है। सो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस फॉरेन में काफी फेमस है, बट इंडिया में इतना फेमस नहीं हो पाता। कुछ दवाइयों को, जैसे कोवैक्सीन, ये सबको एक सेट टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं चलता, खराब हो जाता है वो। बटर, ठीक है, चीज, ये सबको, आइसक्रीम, इनको एक टेम्परेचर लगता है और वो कोल्ड स्टोरेज में ही रहता है, वरना खराब हो जाता है। तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, खास करके ऐसे पेरिशेबल जो वस्तु है, अंगूर जो है नासिक में इतने फेमस है, लेकिन अंगूर का भी शेल्फ लाइफ है, अंगूर भी पेरिशेबल गुड्स है। सो जो रिच फार्मर्स है नासिक के, जिसके पास इतने सालों से अंगूर के बागान है, जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, नासिक में कितना, 40-50-100 रुपए किलो रहेगा, फॉरेन में तुमको 200-250 रुपए किलो मिलेगा। तो सीधी बात है, अच्छे अंगूर एक्सपोर्ट ही होंगे। तो ये लोगों ने इतना कमा लिया है कि बहुत सारे रिच फार्मर्स के, सबके पास नहीं लेकिन है कुछ लोग के पास, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस है, जहां पे लोग जो है अंगूर को स्टोर करते हैं, और फिर जैसे ऑर्डर है वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। और लास्ट में जो वेयरहाउस है वो कोऑपरेटिव वेयरहाउस है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, गांव में यूज होता है ये, एग्रीकल्चरल गुड स्टोर करने के लिए। अब 10 फार्मर्स है, सब तो अपना गोडाउन रख नहीं सकते, सबके पास एक एक एकड़ छोटी जमीन है, आउटपुट गिने चुने किलो ही आता है। तो कोऑपरेटिव वेयरहाउस 10 फार्मर ने मिलकर, सोचो, एक छोटा सा पत्रे से बनाया वेयरहाउस, तो 10 के 10 फार्मर, जैसे एक बोलेगा मैं 100 किलो रख रहा हूँ, तो वजन के हिसाब से रख देगा। तो फार्मर्स मिलकर गांव में, रूरल एरिया में,
ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन ये कॉपरेटिव वेयरहाउस खोलेंगे। सो शहर में मिलना मुश्किल है, गांव में तुमको मिल जाएगा। सो गांव के जो गरीब फार्मर्स हैं वो लोग सब लोग खुद का अलग अलग वेयरहाउस रखने के बजाय एक थोड़ा सा बड़ा वेयरहाउस बनाएंगे और उसपे हर फार्मर अपना हिस्सा रख सकता है, क्योंकि खुले में जब भी रखेंगे तो देखा गया है कि 1/3 वेस्ट हो जाता है, प्याज भी 1/5 1/4 जितना तो वेस्ट होता ही है। अब तुम पूछोगे कैसे, एक तो खुले में रखा, उसमें चूहे आ जाते खा जाते हैं, वातावरण धूप बारिश हवा मॉइस्चर ठीक है, कीड़े, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हैंडलिंग में ऐसा खराब होता ही है। इंडिया का एक ट्रेजेडी की काफी सारा वेस्ट होता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस हर जगह पे नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है उसका मेंटेनेंस, और उसका महीने का बिल भी हजारों में नहीं लाखों में होगा, बहुत ज्यादा तुम एक्सपोर्ट करते हो करोड़ों में तो तुमको करोड़े का। सो ये टाइप्स ऑफ वेयरहाउस था। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक वाटर टैंक एक स्टोरी बनाया है, तुम यूज कर सकते हो इसको। सो इसमें 3 वाटर टैंक्स तुम यूज कर सकते हो स्टोरी। एक प्राइवेट वेयर हाउस मैंने डाला है, एक पब्लिक वेयर हाउस डाला है, मतलब तुमको पॉइंट जैसे बताया है वैसे करना है। सो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो प्राइवेट वेयर हाउस में तुम्हारे मन में एक तुम यूज कर सकते हो जेम्स बॉन्ड जो कि बॉन्डेड वेयर हाउस है। पब्लिक मतलब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि फिलहाल नासिक में तुम्हारा घर है, वहां पे जेम्स बॉन्ड का वेयर हाउस है। या ऐसे सोचो नासिक प्राइवेट है, ओजर एयरपोर्ट पब्लिक है। सो नासिक में जेम्स बॉन्ड है, ओजर में पब्लिक वेयर हाउस है। पब्लिक वेयर हाउस है तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, सोचो ड्यूटी पेड वेयर हाउस वहां पे। फिर तीसरा गवर्नमेंट वेयर हाउस है, वाटर टैंक। सोचो कि नासिक में एक वाटर टैंक है, वो प्राइवेट है, वहां पे जेम्स बॉन्ड वाटर टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसे सोचो। और ओजर एयरपोर्ट में जो कि पब्लिक का है, वहां पे ड्यूटी पेड है ठीक है, और नासिक और ओजर के बीच में गवर्नमेंट का वेयर हाउस है। या ऐसे सोच, तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। नासिक में वाटर टैंक है ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड है, जेम्स बॉन्ड मालिक है उस वाटर टैंक का। ओजर एयरपोर्ट में चले जाओ, वो पब्लिक वेयर हाउस है। और वहां पे ड्यूटी पेड है। फिर तुम गंगापुर धरन के उधर चले जाओ, वहां पे गवर्नमेंट का वेयर हाउस है, सिंस वहां पे पानी ठंडा है, मेन सोर्स वहां पे है पानी का। तो ऐसे सोचो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ठंडा है, लोग असेंबल होते हैं पानी जमा करने के लिए वहां पे। तो ऐसे सोचो कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी वहीं पे है। सो नासिक का जो वेयर हाउस प्राइवेटली ओन्ड है, जेम्स बॉन्ड मालिक है, पब्लिक वेयर हाउस ना ओजर एयरपोर्ट में, सिंस एयरपोर्ट में टैक्स लगता है गुड्स आया तो वहां पर ड्यूटी पेड वेयर हाउस है। गंगापुर धरन में कोऑपरेटिव वेयर हाउस है, सोचो जहां पे पानी ठंडा है, ऐसा सोचो। ठंडा मतलब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तुम पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 इसके हिसाब से कर सकते हो, प्राइवेट नंबर 1, फिर उसमें जेम्स बॉन्ड बॉन्ड वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, सबको अलग अलग नंबरिंग देके तुम आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पॉइंट्स लिख के निकालो।